सुनना यार, जिस जिसको नमस्ते करनी होगी ना बता दियो पहले ना स्पेशली वो तो यस गणेश जय गणेश एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। तो आज है दिवाली, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मे यू ऑल लिव हैप्पीली एंड योर ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू। और आज के दिन वैसे भी हम सारी अपनी बुरी आदतों को छोड़ के आगे लाइफ में मूव ऑन करते हैं। मेरे को ज्ञान बांटना ही नहीं है किसी को, नो। तो हाँ, आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो अभी हम भी करने वाले हैं सेलिब्रेशन थोड़ी देर में। तो इससे पहले हमने आज सुबह से मतलब सिर्फ सफाई करी है, नहाए धोए हैं, रेडी हुए। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं शॉप, क्योंकि मुझे शाम के लिए मंदिर को डेकोरेट करना है पूजा के लिए। तो थोड़ा सा कुछ सामान लेके आएंगे, तो उसके बाद हम गुलाब जामुन का मीठा बनाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। और मंदिर के पास बहुत ही ट्रेडिशनली दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, उसका महत्व भी आपको बताऊंगी कि क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, क्यों वो सब किया जाता है। तो चलिए आज के दिन की हम करते हैं शुरुआत। देखिए सुनना यार, जिस जिसको नमस्ते करनी होगी ना बता दियो पहले। एक्चुअली जब हम स्कूल में थे ना, तो हमको स्कूल में ये सिखाया था कि जो भी रास्ते में तुम्हें मिले उसको नमस्ते करनी। तो अब ये तो हमें पता ही नहीं था। सुनता फिर अब क्या हुआ, अब मैं तो उसी रूल को फॉलो कर रही हूँ। बेइज्जती नहीं है यार, ये ट्रू है। तो अभी मतलब मैं तो अभी उसी रूल को फॉलो कर रही हूँ कि जो मतलब मिले उसको नमस्ते कर। तो अब निकी ने बदल दिया कि अब जिसको ऐसे करती रही हूँ। अभी तो चंडीगढ़ यार इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, तो कोई किसी का है नहीं। वहाँ थोड़ी ऐसे गांव में सब एक दूसरे की को जानते ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए अब इस तरह ये रूल रहा है कि जिसको जानते हैं उसी को ही नमस्ते करेंगे। तो अब मैं इसे बोल रही हूँ कि जिसको करनी होगी पहले बता दियो मेरे को। बोलिए जब मैं करूँगी पहले तो पीछे से कर लूँगी। ठीक है, पहले तू करियो फिर मैं करूँगी। ये देखो, यह हमारे स्कूल का नाम है। तो जो सामने वाला ब्लॉक है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ से ऊपर वाले ब्लॉक में सारे में हमारी क्लासेस लगती थी। तो मैं बहुत ही मिस करती हूँ स्कूल को। तो यार इसके साथ तो बहुत सारी यादें हैं, स्कूल मेमोरीज। क्यों मुँह निकी पीना के लिए तो आई पीना स्पेशली वो तो यस साली मम्मी को बताऊंगी तूने ये पिया, देखो जुकाम है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट से वापस, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लाया है। तो हमने सबसे पहले तो हमारे को जिस चीज़ के लिए हम गए थे ना, पहले तो हमें फर्स्ट वाली शॉप में वो चीज़ें मिली नहीं, तो मेरे को लगा कि वो मिलेंगी नहीं अब दोबारा। बट हम फिर हम दूसरी शॉप में गए तो हमें ये मिला। तो ये ना मतलब इसमें गणेश जी है, लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता है, और ये तो ये मिला हमें, ये मेरे को अच्छा लगा तो मैं ये ले आई। और दूसरा फिर एक मैं लाई हूँ माता के पैर, ये चिपकाने हैं हमें, तो इसको हम इंडोर पे लगाएंगे। दूसरी चीज़, तो अब ध्रुव जा रहा है मंदिर के पास ये लकड़ी छोड़ने के लिए। उसके बाद बड़ा राज जलाते हैं ना, तो ये लकड़ी वहाँ पे लगती है, तो ये हम अपने गाँव में छोड़ते हैं। बाय कुकू, जल्दी आना। इसमें बस सारी खाने की चीज़ें हैं, दिए जलाने के लिए हम ये मौली और ओशन सारे निकल गए बाहर। निकी सॉरी ब्रो, डांटना मत, कुछ भी नहीं किया मैंने। वाओ, और अभी हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, जिसके लिए निकी आटा गूंदेगी और मैं बनाऊंगी भटूरू। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे हमारे ना ताऊ जी आए हुए हैं, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने ना ये फ्रॉक सूट निकाला था, ये वाला, मैंने सोचा था इसको पहन के फोटो शूट करूंगी, रील्स बनाऊंगी, लेकिन इतना काम है ना आज, कोई टाइम ही नहीं मिला। अब ये देखो निकी भी यहाँ पे अभी गुलाब जामुन का आटा गूंदने लगी है। तो ये रहा आटा, इसमें मैंने उंगलियां लगा लगा के ऐसे छेद छेद हो गया इसमें। तो इसको हम गूंदेंगे नहीं, इसको बनाएंगे अब हम। तो ये मेरी जिम्मेदारी है इस बार, पता नहीं कैसे बनेंगे। और चूल्हे पे बनाने हैं, कल भी मैंने फुलके बनाए थे, वैसे तो बढ़िया बनाए थे, पर मम्मी ने बोला बहुत ही सूखे सूखे फुलके बने थे। तो आज आटा निकी ने गूंद लिया है और बनाऊंगी मैं। क्या चल रहा है तुम दोनों का?
सकती है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि अगला मुकाबला उनका बोल रहे से ही है। और ये क्या कर रहे हैं कोको? क्या जी देखो, जब एक ऐसा गेम खेल के आ रहे हैं, तूने रोटी दी थी इसको आज है, तो ये ऐसे चैचे क्यों कर रही है? ऐसे ही है कोको। मैं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा काय का मैं हूँ। तो यहाँ बन रहे गुलाब जामुन, निकी बढ़िया टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन बनाएगी, और उस साइड पे बन रही है चाशनी, और यहाँ पापा और यहाँ पापा बना रहे हैं भठोरू। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, पापा की थोड़ी बहुत ही मदद की मैंने, बाकी ये सब अकेले किया है पापा ने। तो अब टाइम हो गया है देर लगाने का, क्योंकि संध्या हो गई है और थोड़ी देर में हम करेंगे पूजा। तो उससे पहले हम लगा रहे हैं दी, उस साइड को हमने लाइट्स लगा दी है, और इस साइड भी लाइट्स हैं, थोड़ी थोड़ी यहाँ से दिखेंगी नहीं, मैं आपको बाहर वाली साइड से दिखा दूंगी। पापा को तो मैंने दिखा दिया था, तो पापा ने जो रोटियां बेल के रखी थी ना वहां पे, अब पापा ने उनको मड़े पका दी। अच्छा ठीक है सॉरी, तो पापा ने उनको पका दिया है, और ये सारा काम पापा ने किया। पहली बार मैंने पापा जी को इतना काम करते हुए देखा है। पापा बहुत कामयाब हो गया आप आजकल। तो जो ध्रुव है वो बना रहा है दिए और बाती, तो इनको हम लगाएंगे बाहर, निकी बाहर लगाई जा रही है और यहाँ पे बना रहा है। तो मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या काम करती हूँ, तो ऐसा मत सोचो, मैं बहुत काम करती हूँ। एक सेकंड, हट जा हट जा। तो अभी सारी जगह पे लाइट चली गई है, सारे एरिया में। हर साल दिवाली पे लाइट भी जाती है और बहुत ज्यादा हवा भी चलती है इस दिन। और ये देखो हमारा यहाँ से लेकर वहां तक दिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लाइटें नहीं है पर दिए। अब मैं औरों का देखती हूँ कैसे लग रहा है सबके, वो देखो वहां पर भी दिए चल रहे हैं। कितना गंदा ये, बुलाया क्यों नहीं तूने? बुलाया बे, कब बुलाया? तो ध्रुव का तो हो गया अपना प्रोग्राम शुरू, अब ये करेगा अनार पटाखे बाकी सब कुछ। ओ ओ ओ ओ यार ये छत पे करना था, गोल चक्र तो फंसी ना नीचे, सीधा नहीं है। ओ भाई अब निक्की की बारी है, ये अब फूलझड़ी लेके चलेगी। लड़कियों का ठीक होता है ना यार, फूलझड़ी लेके चलती है लड़कियां बस। लेकिन मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है ना, मेरे को किसी ने बोला तू भी तैयार हो जा, तू भी फोटो ले ले, वीडियो लेते तेरी भी नहीं। निक्की तो एकदम परी बन के घूम रही है आज। ये देखो कुकु देख के गई, निकी बढ़िया आ रही है लाइम लाइट लेने के लिए। खत्म होने वाली है, क्या है ये लड़ाकू कहीं का? टट्टी लग रहा है तू, नीचे बढ़ रही है इसके दाने। टट्टी लग रहा है तू। हाँ फूके मेरे पिचको। तो ध्रुव भी सारी मिठाई ना उधर लेके आ जाना, पर ये ना मैं पूजा वाले रूम में हूँ, ठीक है? तो ये हो चुका है हमारा मंदिर का सेटअप तैयार, और अभी हम करेंगे आरती। मिली आरती कुकू? पहले गणेश भगवान जी की आरती लगाना, उसके बाद लगाना लक्ष्मी माता की आरती। वो कर सारे परे हॉटस्पॉट ले ले। तो हमारा घर जो है वो यहाँ से इस तरह का लग रहा है ऐसे, फिर यहाँ से हमने रेड कलर की लगाई है, और नए वाले घर में हमने तीनों रूम्स की लाइट ऑन करी है, और बाहर हमने ये छोटी वाली लाइट्स लगाई है जो कि मल्टी कलर है। हम सब अब तैयार हो गए हैं, सारे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लग रहे हैं। अच्छा नए पांठू हैं। तो मंदिर जाने से पहले हमने सोचा कि छत पे आके जितनी भी क्रॉकरी है वो सब चला लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे ना स्पेस थोड़ा सा मतलब उबड़ खाबड़ है, स्पेस प्लेन नहीं है, तो यहाँ पे हम चलाएंगे ये। इसमें पटाखा होता है लास्ट में? होता तो नहीं था।
मुझे देखो कितनी बढ़िया बढ़िया फायरवर्क्स हो रहे हैं। वाओ कितना सुंदर लग रहा है। चुप रह क्या कूद तो क्या इन्होंने पकड़े खड़ू है अपनी अपनी फुलझड़िया चलाओ, दूसरों की फुलझड़ी और पंप पे नजर मत डालो। मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, जैसे कि आपको आवाज भी आ रही होगी उधर से। हम अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक यहाँ पे ट्रेडिशनली गेम खेला जाता है पाइंस के साथ, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कैंथड़ू है, खेल है शा। तो वो गेम होता है, वो जस्ट ऐसे ही जस्ट फॉर फन खेला जाता है। उसमें दो टीम्स होती है, दोनों टीम्स मतलब एक दूसरे पे ना पाइंस फेंकते हैं। तो बस इसी तरह का गेम होता है, वो मैं अब आपको दिखाऊंगी आगे। अब तैयारी हो रही है शायद यहाँ से कैंथड़ू खेलने की। इस तरह से यहाँ से आग लेकर जाते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं और साथ में होती है और दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर पाइंस जला जला के फेंकते हैं। पाइंस को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कैंथड़ी बोलते हैं। तो कैंथड़ियाँ जला जला के एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे और इसमें किसको किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होता। तो ये गेम जस्ट फॉर फन खेला जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है बलिराज जलाने का। बलिराज जलाने के बाद हम रामायण गाते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में और बलिराज के चारों तरफ घूमते हैं डांस करते हुए। तो गांव के जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं जिनको ये रामायण गाना पूरी तरह से आता है, और क्योंकि अपनी लोकल लैंग्वेज में गाया जाता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बाकी सब लोग पीछे से फॉलो करते हैं डांस करते हुए, इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो ये भी एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का, तो आप लोग भी इसे देखिए सुनिए और एंजॉय कीजिए। अब बज चुके हैं सुबह के 5, तो अब गाएंगे यहाँ पर मुंद्रो, विच इज ऑल्सो अ वन ऑफ ट्रेडिशन।
अब हम जा रहे हैं मंदिर से वापस और सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर मंदिर के पास सबसे पहले धूप आती है हिमरी में। यहाँ से सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। वहाँ से लाइट लाइट धूप आ रही है उस साइड से और यहाँ पे बढ़िया लोगों ने मक्की उगा रखी है और वो जा रही है वो दोनों मेरी बहनें। तो फाइनली हम लोग पूरी रात यहाँ पर स्पेंड करने के बाद अब जा रहे हैं घर की तरफ और सुबह की एटलीस्ट 7:30 हो चुके हैं। अब हमने पूरी रात यहाँ पर स्पेंड करी, बहुत मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। डूम देवता के आंगन में पहली बार पूरी रात हमने बिताई है और सुबह का जो मोमेंट था वो बहुत ही बढ़िया था। पहली बार देखा तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत बढ़िया लगा देख के। मतलब अपने ट्रेडिशन और कल्चर के साथ जुड़े रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ही इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं, वो हम शेयर नहीं कर सकते। तो लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कल्चर के बारे में और कुछ चीज़ें ऐसी है जो विदाउट परमिशंस शेयर नहीं की जा सकती, तो वो शेयर नहीं कर सकती मैं। बाकी आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तभी मैं समझ पाऊँगी कि आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस कैसी रही आज की रात तुम्हारी? मज़ेदार। तो गला ही बैठ गया। कैसे बैठा तुमने, तो जय तक नहीं करी। जब बोल सांचे दरबार की जय, वो वाली जय भी नहीं कर रहे थे ये लोग। करी तुमने? और नहीं तो क्या। कहाँ करी? हम ही तो कर रहे थे और कौन कर रहा था। मन में कर रहे थे तुम सिर्फ। तो ऐसा जागरण, बस डांस नहीं हुआ, उस चीज़ की कमी रहेगी। मेरे मन में बहुत खल रही है, बहुत ही मन कर रहा था बीच बीच में तो मेरा बहुत डांस करने का। एकदम मेरे मन में स्टेप्स आ रहे थे कि कौन से मैं कौन सा स्टेप करूं, लेकिन तो कोई भी डांस करने उठा ही नहीं, तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उठने की, क्योंकि मैं उठती तो थोड़ा मतलब ऐसा लगता ना यार क्या ये चौगू बनी हुई, इसलिए मैं भी नहीं उठी, पर मेरा बहुत मन कर रहा था। बाय। तो दिव्या का घर है हिमरी में और दिव्या है निकी की फ्रेंड, तो अब इन दोनों का बिछड़न हो रहा है। ठीक है।